राधे राधे फ्रेंड्स, तो आपको मेरी तरफ से नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो फ्रेंड्स, आज भी मैं आपके लिए बहुत ही नई और एक यूनिक वीडियो लेके आई हूँ, वो भी ओल्ड क्लोथ की। तो ये मेरे पास पुरानी साड़ी थी, उसमें से बचा हुआ फैब्रिक है। तो कुछ ये प्लेन है और कुछ ये वर्क वाला है। तो पहले इस साड़ी में से मैंने एक 6 साल की गर्ल्स का जो है एक लहंगा बनाया था और इसका ब्लाउज, और इसमें से ही मैंने दुपट्टा निकाला था। बाकी इसमें से जो फैब्रिक बच गया था आज मैं उसका ही यूज़ करूँगी। तो आपके पास भी यदि पुरानी साड़ी या दुपट्टे रखे हुए हों तो आप उसका यूज़ प्लीज़ ज़रूर करें। चलो तो वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया ये केक बेस। यदि आपके पास केक बेस नहीं है तो आप कार्डबोर्ड में से कोई भी गोल सर्कल कट कर ले अपने अकॉर्डिंग, छोटा बड़ा जितना आप रखना चाहते हैं। और इसे मैंने इसके नीचे रख दिया है, आप चाहे तो ऊपर भी रख सकते हैं। और ये जो फ्लावर है ना, इनको मुझे इसमें से निकालना है। तो आप किसी को भी निकाल सकते हैं, जो भी कलर हो, ऑरेंज हो, येल्लो हो, या फिर आपकी साड़ी में यदि कोई भी इस तरीके का फ्लावर बना हुआ है तो आप उसको कट कर ले। यदि फ्लावर भी नहीं है तो प्रिंटेड है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, बाद में इसको अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे कट करके इस तरह से, और इसे मैं इसके ऊपर पेस्ट कर दूंगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने लिया है प्रोबोन फेविकोल का यूज़। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें कमेंट आया था कि आपने किस फेविकोल का यूज़ किया है सीडी में शॉपिंग बैग को चिपकाने के लिए। तो मैं मोस्टली जो है प्रोबोन फेविकोल का ही यूज़ करती हूँ, और ये काफ़ी अच्छा भी रहता है, मजबूत भी है। तो मैं तो हमेशा इसका यूज़ करती हूँ यदि मुझे कोई चीज़ चिपकानी है इसके लिए। तो यहाँ पर मैंने पीछे से भी इसे कवर कर दिया है, जो ये बिल्कुल अच्छा लगेगा, मतलब देखने में ना पीछे से ऐसा नहीं लगेगा कि रफली हमने कुछ बनाया है। उसके बाद ये मेरे पास ये कंगन पड़े हुए थे, मतलब कि इसके जो स्टोन है ना वो निकल गए थे। तो ये जो है लोहे वाला कंगन है, आप कोई भी ले, मतलब ऐसा हो कि आसानी से टूटे ना, या फिर एलुमिनियम का ले ले। यदि आप कांच की चूड़ियाँ ले रहे हैं वो भी ले सकते हैं, लेकिन उन्हें दो को आपस में मिला ले। और इस तरीके से यहाँ पर इसमें धागे को अच्छे से नोट लगा ले, और नीचे से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर देंगे इस तरह से। तो मैंने ये दो रेडी कर लिए हैं। तो आपके पास भी कोई पुराना कंगन चूड़ी कुछ भी हो फ्रेंड्स, आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये पुराना शुभ लाभ जो है पिछले साल का लगा हुआ था दरवाजे पे, तो मैंने इसे उतार लिया है, और इसे मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। और वॉश करके जो है ना, जब ये सूख जाएगा यानी इसे पोंछ लूँगी, उसके बाद मैंने फेविकोल लगा लिया है फ्रेंड्स इसके ऊपर, और मैं ग्लिटर डाल दूँगी। आप चाहे तो ना कलर भी कर सकते हैं, एक्रेलिक कलर भी कर सकते हैं अपनी पसंद के अकॉर्डिंग, लेकिन मैंने यहाँ पर कलर नहीं किया, ग्लिटर डाल दी थी इसके ऊपर, जो इसमें अच्छे से शाइनिंग आ जाएगी। तो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कुछ भी कर लें जो आपको सही लगे। और यहाँ सूखने के बाद, जब ये सूख गया था उसके बाद मैंने इसके सेंटर में से चिपका दिया है इस तरह से। और अब मैं यहाँ कुछ मिरर लगा दूँगी जिससे ये और भी सुंदर और प्यारा सा लगने लगेगा, क्योंकि सिंपल इतना अच्छा नहीं लगेगा। और फ्रेंड्स यदि आपके पास भी इस तरीके के वेस्ट क्लोथ पड़े हो, यानी दुपट्टा भी हो सकता है, कोई पुराना अच्छा वर्क वाला सूट हो जो आप ना पहनते हो, या फिर टाइट हो, या फिर कुछ उसमें कमी हो, फट गया हो, या कुछ भी हो, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसे सुई से अटैच कर दूंगी। तो ये मेरा वर्क वाला है ना, बहुत ही सुंदर और प्यारा लग रहा था, बिल्कुल देखने में लग भी नहीं रहा कि हमने होममेड बनाया है, क्योंकि वर्क वाली काफ़ी सारी साड़ियाँ और दुपट्टे जो हैं पुराने टाइम में बहुत चलते थे, आजकल बहुत ही कम चलते हैं, मतलब सितारों वाली कढ़ाई वाले जो साड़ियाँ हैं। तो आप उनका यूज़ कर लें यदि आपके घर में भी वो रखी हुई हैं। तो ये मेरे दोनों हो चुके हैं रेडी, और यहाँ पर मैं एक लेस लगा दूँगी यहाँ पर भी, और ये है इसका फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स आपको कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये सच में बहुत ही सुंदर प्यारे लग रहे थे। तो अब नेक्स्ट आइडिया है मेरा, इसके लिए मैंने ले लिया यहाँ पर बुकरम। तो हमारे यहाँ से बुकरम बोलते हैं, इसकी जो चौड़ाई रखी है मैंने 44 इंचिस रखी है, यानी जितनी आपके दरवाजे की चौड़ाई हो ना आप उसके अकॉर्डिंग इसे रख लें। तो मेरे दरवाजे की जो चौड़ाई है वो 44 है, और यहाँ पर मैंने इसकी चौड़ाई रखी है 3 इंच। तो फ्रेंड्स आप अपने दरवाजे के अकॉर्डिंग ही इसकी लंबाई रखें। तो लंबाई मैंने 44 और चौड़ाई मैंने रखी है 3 इंच। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर कपड़े को लगाया है, लेकिन सिंगल लगाया है तो दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करूँगी इसको डबल कर लूँगी, और एक्स्ट्रा कपड़े को मैं यहाँ से कट कर दूँगी। और मैंने इसे डबल कर लिया है, तो यहाँ पर भी मैं इसे चिपका लूँगी, जिससे क्या होगा ना कि ये मुझे
बुकरम में लगाते हुए ना ये कपड़ा इधर उधर खसकेगा नहीं मेरा, एक जगह सेट हो जाएगा। आप चाहे तो इसके ऊपर सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं बाद में इसके ऊपर जो है ना सिलाई लगा दूंगी, अभी नहीं, आपको आगे पता चलेगा। उससे ये काफ़ी मजबूत हो जाएगा, और यदि आप हॉट ग्लू का यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसे ऊपर और नीचे से इसके ऊपर इस तरह से पेस्ट कर दूंगी। तो पहले मैं ऊपर से इसे चिपका दूंगी। तो फ्रेंड्स, आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसे बना सकते हैं, चाहे सिलाई लगाए, चाहे हॉट ग्लू से चिपकाए, और चाहे आप किसी अच्छे फेविकोल से चिपकाएं जिससे अच्छे से स्टिक हो जाए। लेकिन मैं पहले फेविकोल से इसे अच्छे से पेस्ट कर दूंगी, उसके बाद मैं इसके ऊपर सिलाई मशीन चलाऊंगी। तो अब मैं इसके ऊपर से भी एक कपड़ा जो है यहाँ पर लगा दूंगी इस तरह से, जो ये पीछे से भी कवर हो जाएगा हमारा। और उसके बाद मैंने लिए फ्रेंड्स ये फोम शीट, इसकी लंबाई और चौड़ाई रखी है मैंने 4 इंच। तो दोनों की लंबाई चौड़ाई मैंने 4 इंच ही रखी है। और ये जो फ्रेंड्स ये वो वाली मतलब फोम है जो हम सलवार के पोंचों में यूज़ करते हैं। तो ये किसी भी आपको लेस वाले की दुकान, सिलाई वाले का जहाँ सामान मिलता है ना, वहाँ आसानी से मिल जाएगी। और आप चाहे तो बुकरम का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और चाहे कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि यदि मुझे इसे कभी वॉश करना हुआ तो कार्डबोर्ड यदि मैं इसके ऊपर पेस्ट करूँगी ना, तो उससे क्या है कि वो वॉश नहीं हो पाएगा। और यदि मैं इस तरीके की चीज़ों का यूज़ करूँगी, ये हैंड वॉशेवर है, तो ये कभी भी हम इसे आसानी से वॉश कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे कवर कर लूँगी। तो इसके लिए मैंने वर्क वाला लिया है, प्लेन पीस, मतलब इसी साड़ी का। तो हमें सभी को ऐसे ही रेडी कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर ये 6 रेडी किए हैं। अभी मैं इसे पेस्ट कर रही हूँ, बाद में इसके ऊपर भी मैं सिलाई लगा दूंगी। तो ये देखिए, और पीछे से भी मैं इसे कवर कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने शॉपिंग बैग में से इस तरीके से ये कट कर लिया है पीस। तो आपके पास जो शॉपिंग बैग हो आप उसका इसमें यूज़ कर सकते हैं, और इसे पीछे से भी जो है कवर कर लें, क्योंकि जो है ना अगर हम पीछे से इसे कवर नहीं करेंगे तो देखने में बहुत ही गंदा सा लगेगा और अच्छा भी नहीं लगेगा। तो ये हमारा रेडी हो गया है, और इसका मैंने एक पीस लिया है, इसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने 4 इंच ही रखी है, और इसे भी मैं इस तरह से जो है पेस्ट कर दूँगी। तो इसे मैं सेंटर में रखूँगी, और इसे पीछे से भी मैं कवर कर दूँगी। तो यहाँ पर ये मेरा सूख चुका है। उसके बाद यहाँ पर ये लेस थी मेरे पास, इसे मैं इसके ऊपर लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स, आपके पास जैसी भी लेस रखी हुई हो, क्योंकि मैं स्टिचिंग का काम करती रहती हूँ तो इसलिए लेस मेरे पास होती ही है, और इस लेस को मैं इसके किनारे किनारे लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स, आपके पास जैसी भी लेस हो, यानी साड़ी की लेस हो या दुपट्टे की लेस हो, जो भी आपके पास लेस हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप सस्ती सी मार्केट से ख़रीद भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे स्टिच कर दूंगी। आप चाहे तो इससे फेविकोल या हॉट ग्लू से भी चिपका सकते हैं, लेकिन यदि मैं इसे स्टिच करूंगी ना तो ये मेरा ऊपर नीचे चारों तरफ से स्टिच हो जाएगा, यानी जो मैंने पहले पेस्ट किया था ना वो भी मेरा स्टिच हो जाएगा। तो ये मेरा आसानी से हम इसे वॉश भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने इस तरीके से 3 जो है डोरियाँ कट कर ली हैं, जिन्हें मैं इधर उधर और एक सेंटर में जो है लगा लूँगी। इससे क्या है कि इसे हैंग करने में मुझे आसानी होगी। तो यहाँ पर मैंने इसे स्टिच करा मशीन से, चिपकाया नहीं है। अब इससे हम इसे अच्छे से हैंग कर लेंगे, और ये भी मेरे रेडी हो चुके हैं, और इन्हें पीछे से भी मैंने कवर कर लिया है। और यहाँ पर भी जो है ना फ्रेंड्स, मैं इसी लेस को जो है स्टिच कर दूंगी, और जब मैं इसके ऊपर इसे स्टिच करूंगी ना तो मेरा ये पूरा स्टिच हो जाएगा, यानी जैसे मैंने कपड़ा इसके ऊपर पेस्ट किया था वो भी स्टिच हो जाएगा, और ये मेरी लेस भी स्टिच हो जाएगी। तो एक साथ दोनों काम हो जाएंगे। तो इसलिए पहले मैंने फेविकोल से इसे चिपका दिया था, और बाद में मैं इसे लेस लगा के स्टिच कर लूँगी। तो इससे ये काफ़ी मजबूत हो जाएगा मेरा, और इसे भी मैं ऐसे ही स्टिच कर लूँगी। तो यदि आपके पास मशीन नहीं है फ्रेंड्स, या फिर आप स्टिच नहीं करना चाहते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, आप इसे पेस्ट भी कर सकते हैं, चाहे ग्लूगन से करें चाहे फेविकोल से करें।
मतलब जो आपके पास हो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये मेरे सब रेडी हो गए हैं और अब मैं इसमें डेकोरेशन के लिए थोड़े से मिरर लगाऊंगी। तो आपके पास मिरर हो तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत ही सस्ते आपको मिल जाएंगे। तो मैंने सभी को रेडी कर लिया है, बीच में मैं ऐसे लगा दूंगी, कलश रखा हुआ था ये मेरे पास। तो ये मेरे सब रेडी हो चुके हैं पूरे। और यहाँ पर पहले मैंने सोचा कि ये जो है गोल्डन वाली जो लेस टाइप के सर्कल है ये लगा दूँ, फिर मुझे अच्छे नहीं लगे, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर ये मिरर लगा दिया है। तो आपके पास बीच में लगाने के लिए जो भी हो आप वो लगा लें, इसमें मिरर है तो वो लगा लें, नहीं तो इस तरीके की जो गोल ये लेस टाइप की मतलब गोल्डन ये सर्कल है मेरे पास, इन्हें भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने वाइट एक्रेलिक कलर से जो है यहाँ पर डॉट डॉट बना दिए हैं और ये छूटेंगे नहीं फ्रेंड्स। आप इसको यदि नॉर्मल पानी सर्फ डाल के पानी में डिप करके निकाल लेंगे तो ये बिल्कुल नहीं छूटने वाले, क्योंकि यदि गंदे हो जाते हैं तो धोने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके बाद मैंने यहाँ सेंटर में निशान लगा लिया है और ये जो मेरा पड़ा वाला था इसे मैं यहाँ सेंटर में लगाऊंगी और इसे मैं स्टिच कर दूंगी जो छोटी वाली सुई होती है तुरपाई वाली उससे। तो आप अपने अकॉर्डिंग करें इसे। तो फ्रेंड्स मेरी ये मेहनत और वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स, और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमें बाकी के दोनों साइड 3-3 लगा लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मोती का भी यूज़ किया है, बीच में मैं एक मोती लगाऊंगी और इसे सुई से अच्छे से स्टिच कर लूंगी। तो आप धागे को जो है चार लेयर में रखें, उससे क्या है कि काफ़ी मजबूत हो जाएगा। और यदि आप डबल करके धागे को कर रहे हैं तो आप 2-3 दफ़ा इसमें अच्छे से निकाल लें। तो ये देखिए मैंने इसमें 2-3 दफ़ा अच्छे से मजबूती के साथ इसमें इसे अटैच कर दिया है। तो हमें सभी को सेम तरीके से लगा लेना है और ये बहुत इजी भी है बनाना फ्रेंड्स, ऐसे नहीं है देखने में लग रहा है, लेकिन जब आप बनाओगे ना तो आप आसानी से इसे बना सकते हो। मैंने तो सिर्फ आपको एक आइडिया दिया है, बाकी आप अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग इसे सजा सकते हैं, इसका डिज़ाइन बना सकते हैं, क्योंकि कुछ हमारा आइडिया कुछ आपकी क्रिएटिविटी, उससे क्या है कि चीज़ और भी ज़्यादा अच्छी और प्यारी बनती है। उसके बाद यहाँ पर मैंने बैल और ये कुछ मोती ले लिए हैं जो मेरे पास पिछले साल जो मैंने एक DIY बनाया था उसमें मेरा एक तोरण पूरी तरह से टूट गया था, उससे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई थी, तो उसी के ये मोती है। तो इन्हें मैं इनके बीच में लगा लूँगी और इसे अच्छे से मुझे मजबूती के साथ इसमें अटैच कर देना है। और फ्रेंड्स मेरा ये आइडिया आपको कैसा लगता है कमेंट जरूर करें। तो मुझे तो सच में बहुत ही प्यारा और सुंदर लग रहा था, बाकी वीडियो में पता नहीं आपको कैसा लगता है कैसा नहीं। और ये है इसका फाइनल लुक, तो है ना है कमाल का आइडिया। आपको पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और आप इसे आसानी से फोल्ड भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे ही मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।